हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम समझेंगे एसएल सीएल और पीएल के बारे में। लीव के बारे में आना बहुत ही ज़रूरी है। लीव कैसे ली जाती है और कौन कौन सी लीव होती है, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीव की रिक्वायरमेंट सबको रहती है। अब बात करते हैं कि लीव होती कितनी है। समझते हैं पहले एसएल लीव को। एसएल लीव होती क्या है? एसएल लीव का मतलब होता है सिक लीव, और यह लीव तब ली जाती है जब आपको कोई इलनेस हो, यानी जब कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, आपको सर्दी जुकाम जो भी बीमारी हो जाती है, तो उस केस में यह लीव ली जाती है। तो इस लीव का जो प्रोसीजर है वो यह होता है कि जैसे आप 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन आप लीव पे रहे हैं, उसके बाद अगले दिन जैसे आप एंट्री करते हो, जैसे आप अगले दिन कंपनी में आते हो, तो आपको लीव का अप्लाई करना पड़ता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ज़रूरी है कि लीव जो सिक लीव होती है वो लीव कभी भी पहले नहीं ली जाती है। वो लीव हमेशा जब आप कंपनी आते हैं तो उस समय यह भरी जाती है, पहले यह लीव नहीं भरी जाती है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि लीव जो होती है वो 3 डेज़ के अंदर अंदर, अगर आपने सपोज 3 डेज़ में लीव ले रखी है, तो 3 डेज़ का आपको कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है। लेकिन जैसे आपको 3 डेज़ से मोर हो जाते हैं, यानी मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप उस केस में आपको मेडिकल लगाना पड़ता है। कहने का मतलब है, अगर 3 डेज़ तक हैं आपकी लीव, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लीव लगानी पड़ती है, उसमें कोई मेडिकल नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको 3 डेज़ से मोर ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में आपको मेडिकल देना पड़ता है। और मेडिकल किसी एक पर्टिकुलर जो भी MBBS डॉक्टर होता है, और मेडिकल जो होता है वो MBBS डॉक्टर द्वारा ही लगाया जाता है। और अब बात करते हैं PL की। PL जो होती है वो पेड लीव जिसे बोलते हैं। यहाँ पे पेड लीव मिलती है कंपनी में, लेकिन ये जब लीव, एक लीव के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि लीव तभी मिलती है जब आपको कंफर्मेशन हो जाती है। हाँ, कुछ कंपनियों में है ये फैसिलिटी, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो उस कंपनी का आपको लीव मिल जाती है। लेकिन जैसे आपको कंफर्मेशन हो जाता है, कंफर्मेशन 6 मंथ में हो जाए या फिर 1 ईयर में, जैसे कंपनी की पॉलिसी होती है, जैसे लीवेशन हो जाता है उसके बाद आपको ये लीव अवेलेबल होती हैं जितने भी हैं, तो मतलब जैसे आपको कंफर्मेशन हो जाता है उसके बाद आपको लीव दी जाती है। अब बात करते हैं, हम PL के बारे में बात कर रहे थे। तो PL की जो लीव होती है वो 1 ईयर में अगर देखा जाए 20 लीव मिलती है एक साल की। लीव में 20 लीव तक आप एक साथ भी ले सकते हो, ठीक है। और आप इस लीव के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपकी इस साल की कोई लीव अगर बच जाती है, तो उस केस में वो नेक्स्ट ईयर आपको वो लीव ऐड हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज इस साल आपको 20 लीव मिली है, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो करंट ईयर है उस ईयर में आपने सिर्फ 10 लीव ली है, तो नेक्स्ट ईयर वो 10 लीव, नेक्स्ट ईयर जो मिलेगी 20 लीव उसके साथ ऐड हो जाएगी, तो टोटल वो 30 लीव हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम CL के बारे में। CL मतलब कैजुअल लीव होती है। कैजुअल लीव में आपको 1 ईयर की 8 मिलती है, और 8 लीव का जो क्राइटेरिया रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि आपका जो पर्सनल 1 या 2 डेज का जो भी आपकी लीव होती है उसके लिए लीव ली जाती है, और सिर्फ 2 ही लीव ले सकते हो। मतलब कैजुअल लीव आपको 8 मिलेगी, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप 8 के 8 लीव एक साथ ही ले रहे हो, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लीव लेनी पड़ती है। और आगे चल के जैसे आपके 8 लीव है सपोज इस ईयर में, और आपने सिर्फ 2 लिया, आपके पास 6 बची है, आपके पास जो भी 6 लीव बची हुई हैं उस लीव का नेक्स्ट ईयर नहीं ऐड होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। अधिकतर कोशिश ये करना है कि जब आप 1 या 2 डेज की लीव में जाते हो या आप छुट्टी करते हो, तो उस केस में सबसे पहले आप CL को कंप्लीट करें। जैसे आपको 2 दिन की छुट्टी लेने के बाद आपको CL को ही अप्लाई करना चाहिए, और क्योंकि CL कभी भी नेक्स्ट ईयर में ऐड नहीं होता है, तो सबसे पहले CL को कंप्लीट करें, उसके बाद SL को कंप्लीट करें, ठीक है, और लास्ट में आपको PL को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि PL जितनी ज़्यादा आपकी रहेगी तो आपको इमरजेंसी में अगर उसके बाद जब इमरजेंसी में आपको लीव लेनी पड़ेगी, लॉन्ग लीव लेनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें तभी लिए पाओगे जब आपके पास PL लीव हो। अगर आपके पास पेड लीव नहीं है, तो उस केस में आपका 2 दिन से ज़्यादा हो तो आपको उसका पे करना पड़ेगा, यानी कंपनी आपकी जो सैलरी है वो सैलरी उसका आपको डिडक्शन कर देगी, यानी मतलब जो आपकी सैलरी है वो सैलरी से आपको सैलरी काट देगा, ठीक है।
तो मतलब ये इसका मतलब ये है कि सैलरी से लेस कर देगा, तो सैलरी से लेस ना हो इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसे जो लीव होती है वो लीव आप 3 दिन तक ले सकते हो, 3 दिन के बाद अगर जो लीव ले लोगे उसके लिए आपको मेडिकल लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो पीएल है, पीएल के केस में जो 20 लीव है, हाँ ऐसे जो लीव मिलती है वो लीव 8 मिलती है, ठीक है, बट ये क्राइटेरिया इंडस्ट्री का हर कंपनी का अलग है, बट मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि अधिकतर कंपनियों का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी क्या है, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लीव कौन से नेक्स्ट ईयर में ऐड होती है कौन सी नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो SL होती है और PL होती है, यही जो लीव होती है ये आगे जाके ऐड होती है नेक्स्ट ईयर में, CL कभी ऐड नहीं होता है, तो इसलिए अधिक सबसे पहले जब भी लीव में जाते हो तो आपको पहले PL कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे आपकी PL ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर SL के लिए अप्लाई करें, और उसके बाद लास्ट में आप कोशिश करें कि PL आप लास्ट में लें, क्योंकि PL आपके पास जितनी बची रहेगी उसका जब भी आप रिजाइन दोगे तो रिजाइन की जितने डेज होते हैं, सपोज आपके पास 50 लीव बची है PL की, तो आपका उसकी जितनी आपकी सैलरी होगी, सैलरी के बेसिक परसेंट जो बेसिक सैलरी का जो बेसिक होगा, बेसिक के हिसाब से आपको उसका पैसे मिलेंगे, यानी PL हमेशा बचा के रखना पड़ेगा। और आप मोटिव में रहिए था कि आप लोगों को लीव के बारे में बताएं, और अगर आपको अभी भी कुछ भी अगर क्वेरी है आपकी, अगर अभी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और मैं नेक्स्ट आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।